अंग्रेजों ने तो ये भ्रम फैलाया कि भारतवर्ष तो ये अंग्रेजों के आने के पहले तो अशिक्षित था, गरीब था। लेकिन प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य धर्मपाल जी ने, गजेटियर्स का अध्ययन करके भारतवर्ष में, इंग्लैंड में, कोलकाता में जो उनके गजेटियर्स थे उनका अध्ययन करके 12 खंडों में उन्होंने और पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। एक पुस्तक है उस ब्यूटीफुल ट्री, उस ब्यूटीफुल ट्री में शिक्षा के बारे में आचार्य धर्मपाल जी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले भारतवर्ष की शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो भारतवर्ष में गांव-गांव में पाठशालाएं थी, मद्रास प्रेसिडेंसी का, कोलकाता प्रेसिडेंसी का, मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी का वो वर्णन करते हैं, एक एक स्थान का नाम देते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक गांव में पाठशालाएं थीं। और इन पाठशालाओं में क्या केवल उच्च जाति के लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढ़ते थे? नहीं, इन पाठशालाओं में सभी प्रकार के जाति के लोग पढ़ते थे। केवल पुरुष पढ़ते थे, लड़के पढ़ते थे? नहीं, सभी लड़कियां भी पढ़ती थीं, बच्चियां भी पढ़ती थीं, वो भी शिक्षित होती थीं, उनकी व्यवस्था थी। और ये शिक्षा व्यवस्था स्वायत्त थी, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये शिक्षा व्यवस्था स्वायत्त थी। जो गांव था उस गांव के लोग उस पाठशाला को चलाने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करते थे, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था चालू करने के लिए ये जो व्यवस्था स्वायत्त व्यवस्था थी इस व्यवस्था को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, बंद कर दिया, दंडित किया। उन्होंने जो गांव वाला इन पाठशालाओं को मदद करते थे उनको दंडित किया। और इसलिए जो शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष में थी उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम इन अंग्रेजों ने किया। भारतवर्ष का जो संसाधन था वो संसाधन यहाँ से लूट करके ले गए। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के ये जो रेल लाइन बिछाई बड़ा कल्याण किया भारतवर्ष का। क्या भारतवर्ष का कल्याण करने के लिए उन्होंने किया था? भारतवर्ष के जो कॉटन है, भारतवर्ष का जो आयरन ओर है, भारतवर्ष का जो कोयला है, इसको ढोने के लिए जो बंदरगाह थे उस बंदरगाह तक रेलवे लाइन उन्होंने इसलिए बिछाई थी कि यहाँ से इन रॉ मटेरियल को, संसाधनों को इंग्लैंड ले जाया जाए। रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और वहाँ पर तैयार करके बाद में वही कपड़े यहाँ बेचते थे, दुगना फायदा उठाते थे। भारतवर्ष की गरीबी यहाँ भारत हुआ उन अंग्रेजों के कारण से। तो इस प्रकार की वो एक दिखावा, भारतवर्ष का कल्याण कर रहे हैं, पीछे का एजेंडा क्या था? यहाँ के संसाधन को लूट करके उन्होंने अपनी औद्योगिक क्रांति जिसको वो कहते हैं उसको सफल किया भारत के बलबूते। यहाँ का जो राजस्व है वो राजस्व इकट्ठा करके मनमाने ढंग से वो यहाँ से ले जाते थे।